हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब मैं ये व्लॉग डालूंगी तो नया साल आ चुका होगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा स्टाफ था पीछे, हम लोग सारे बैठे हुए थे तो मैंने वहीं से व्लॉगिंग शुरू कर ली है। और आपको बताती हूँ, ये जो हैं ये हैं हमारे मैनेजर सर, और ये हैं उनकी सारी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आसपास। तो आज है हमारे मैनेजर सर का बर्थडे, तो हमने एक गेट टुगेदर, एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था स्कूल में ही अपने, तो वहाँ पर सर का सेलिब्रेट किया है हम लोगों ने बर्थडे। ऐसा फिर मैं डाल दूंगी। मैं तो सर की डर की वजह से सर मुझसे भाई साहब ने कहा। चलो गाड़ी। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, क्योंकि अभी तक हमारे मैनेजर सर को नहीं पता था कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, बट आज वो इतने खुश थे, मतलब जो ये उनके बड़े भाई ना, भाई साहब, उन्होंने ही बोला था कि मीनाक्षी व्लॉगिंग करो, तो मैंने की है। अदरवाइज़ मैं नहीं इन्वॉल्व करना चाह रही थी, बट अब तो सर को मालूम है। तो अभी एक छोटा सा सेलिब्रेट था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करो। यहाँ पे हो गया है केक कटिंग, ये सारे बच्चे वगैरह सब सर को केक खिला रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब खाया पिया, खूब एंजॉय किया, म्यूज़िक वगैरह चला, फिर हम लोग आ गए थे घर अपने। और मैं अभी थोड़ी सी अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ उसमें। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और पीछे हो रहा है आज हमारे यहाँ छोटे छोटे हमारे यहाँ फंक्शन, हमारे मैनेजर साहब हैं, एक्चुअली मैं आई हुई थी सोचते कि मैं व्लॉगिंग करूंगी, बट यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे तो मैंने कर ली है व्लॉगिंग, और बाकी सारी मैं ऐड कर दूंगी सारी आवाज़। बिकॉज यहाँ पे हो रहा है बहुत शोर, तो मैं आपको एडिट करके वॉइस अपनी बताती हूँ, क्योंकि सारे स्टाफ ने ही कहा था मेरे कि हाँ वीडियो बना लो, तो मैंने बना लिया वीडियो। तो सभी ने मैनेजर सर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहा था, बट उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत केयरिंग है, सारे स्टाफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और ये रहा हमारा सारा स्टाफ जो सर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और ये हमारी प्रिंसिपल मैम है जो बिल्कुल जस्ट मेरे पास खड़ी हैं। और मैनेजर सर सर जी के जन्म मौके ही बताई देते हैं, मामा के सर का जन्मदिन हर साल आता है, तो मैं हर साल नहीं। एक चीज़ तो अली सर, मैं भी बोलना चाहूंगी सर के बर्थडे पे, जॉब सब जगह करते हैं, पर जितना कंफर्ट जोन जो है ना सर के साथ है लेडीज का, वो शायद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जेंट्स के लिए तो कंफर्ट जोन हो ही जाता है हर जगह मोस्टली मैम, बट लेडीज के लिए होना बहुत मुश्किल होता है, एज ए बड़े भाई या बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सबको। मैम हर जगह ना एक लेडी जॉब नहीं कर पाएगी ना, वो कंफर्ट जोन शायद वो यही है। और ये एक महिला के लिए सबसे कीमती चीज होती है, क्योंकि पैसा नहीं होता, पैसा हो सकता है ज्यादा मिले कहीं। सर जो आपका और भी स्टाफ है ना, आपने ये महसूस किया? यस मैम, स्टाफ प्रकाश का भी और हमारा विक्टोरिया का भी बहुत ही बढ़िया है, जेंट्स भी मतलब एक एक जैसे चुट चुट के आते हैं, इस समय में सब लोग बहुत बढ़िया। वो नींव अच्छी है ना,
नींव अच्छी है ना दीदी, वो नींव सर की है ना हमारे शराब या बीड़ी बिकाई सब चीजों से सभी जी। एक चीज ये है आजकल के समय में ऐसे बच्चे मिलना बड़ी वैसी, और हमारा प्रकाश का स्टाफ भी बेचारा जैसा भी है सब बहुत अच्छे हैं, और ऐसे विक्टोरिया का हम कोई भी किसी का नहीं है तो आज के समय हमें तो यही चाहिए और क्या। और भैया तुम सब लोग तो इनके हाथ पैर हो भाई, सब लोग ये है कि मिलकर के एक परिवार ही बनता है, तो आप कभी परिवार मतलब बना रहे हैं भैया, सबका इनका आशीर्वाद रहे और ये सही को सही। और एक चीज और है मैम, बिना बताए ना सर समझ जाते हैं किसको मार्केट जाना है किसको छुट्टी लेनी है। मेरे साथ तो मोस्टली मुझे कहीं जाना होता है ना सर पहले बोल देते हैं आज मीनाक्षी कहीं जाना है। और मना नहीं करते हैं, कभी मना नहीं करते हैं, कभी भी कभी मना नहीं किया है। देखो अगर इतना साथ रहते हुए और अगर मान लीजिए आदमी को इतना आत्मीयता हो तो आत्मीयता नहीं समझी जा सकती जी, इसका मतलब ये है कि यदि आदमी आदमी से जुड़ा है तो फिर उसकी परेशानी को भी समझना हमारा दायित्व बनता है, अगर आदमी के मन में उतार निकल है तो वो कोई भी चीज वहाँ से कंसेप्ट भी अपनी क्लास में भी अगर पढ़ाएगा तो वो भी क्लियर नहीं होगा जी जी, स्पष्ट नहीं होगा वो। रंजना मैम कुछ बोली, तो यहाँ पे हर किसी ने कुछ ना कुछ कहा था सर के लिए जो कि बहुत कम था, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो यहाँ पर एक और सर थे जो यहाँ पर बोल रहे थे सर के बारे में, और अभी बहुत सुंदर सी स्पीच दी है हमारी प्रिंसिपल मैम ने, जो कि बहुत वो भी बहुत मतलब इतनी केयरिंग है मैम हमारी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा सारा स्टाफ ही ना इतना अच्छा है मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। We all know him for so many. There are teachers who know him for last more than 10 years. So I told everybody like the kind of person he is, everybody wants to celebrate. Okay, it's really a blessing that we got a chance to work with him. So many things we learn. So many things we learn from him. So many things on day-to-day operational basis also we learn so many things. And other than that also, he is a set example for the person who is self-made, a person who is self-made, hardworking, and does everything for everybody. Everybody, if I'll talk to everybody, they must be having at least 10 instances where he helped them. So that is the best quality. His helping nature is there to help all of us. In all our needs, he is there for us, like a father, like a mentor, like everything, he's always there for all of us. So we are so grateful that he is part of our family, he is part of VPS family, he is part of our family. So we are so proud of him, and maybe we get, even if we get 1% out of him, the qualities, the kind of qualities he's having, if we get 1% out of that, then also we'll become very successful. That is for sure. So, happy birthday. Happy birthday, sir. और मैं बता दूं आपको जितनी भी बातें मैंने कही थी ना वो बिल्कुल सच है, मतलब वो इतने केयरिंग पर्सन है, मतलब फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं सबको, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं, बिल्कुल नहीं लगता है सर को। और सर ने फिर एक बहुत अच्छी सी स्पीच दी, सबको समझाया और सबको मोटिवेट किया, तो ये भी सब मैंने शेयर किया है आप लोगों से, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। और काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच होती है हमारे सर की। एंड इन द लास्ट यही बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरा व्लॉग तब आएगा जब आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। पहले क्या कारोबार था हमारा, क्या सिस्टम था, कितना बिजनेस था, कितनी स्ट्रेंथ थी, कितनी ग्रोथ थी आज, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। वो परिस्थिति ऐसी आई कि हम पहले से तैयार होता है एक इंसान कि हमें ये चीज करनी है, तो
प्लानिंग के साथ होता है, और कोई अचानक आ जाए और प्लानिंग ना हो तो फाइनेंस का सिस्टम खराब हुआ, फाइनेंस खराब हुआ तो आधे पैसे आधा हो जाएगा। तो हम सब कुछ टीम ने सभी लोगों ने जितने मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम यहाँ पर हो चाहे वहां पर हो चाहे कहीं भी हो जुड़े हो, सबने बड़ी सपोर्ट करी, बड़ी मदद करी और संस्था को फिर अब द्वारा ग्रोथ की ओर आगे बढ़ाया है। अब मुझे विश्वास है कि वो समय समझना चाहे कोविड अब नहीं आएगा इंडिया, वो समय बीत गया बुरा समझ, लेकिन अब संघर्ष के और मेहनत के साथ जुनून के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। जन्मदिन है आप सबको, मैं हमारी जो आप सबने सुबह से भूखे प्यासे मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन कोई ना कोई फेस्टिवल हो या कोई ना, हमारे परिवार स्वस्थ है, हमारे साथी स्वस्थ है, हमारे स्कूल को भी बच्चा भी बच्चा जी जी हमारी ये है तो जी बात समझो। और आप ये चीज कर रहे हैं तो आप लोग आगे तो समय है, सबको लोगों को पता भी होगा आज कब समापन, उसके से एक महीना लग जाए दो महीने लग जाए वो अगली बात है, बहुत जल्दी इसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग करेंगे, आप सबको पता भी है कुछ। अब जन्मदिन मेरा नहीं सबका मनाया जा रहा है, सबका जन्मदिन मनाया जाएगा और सबकी लिस्ट बनेगी, सबकी लिस्ट बनी होगी और पूरा डेट होगा जी हाँ जी ऑफर भी होगा फैमिली के साथ होगा, वो कोशिश ये करेंगे अगर तो इस पर अधीन है और प्रयास ये करेंगे कि इसका जो है आदर्श समय बताएगा कि हम लोग नाम रोशन करेंगे उस